जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी एक बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है, बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि विवाद क्या है। विवाद ये है कि क्या बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में रखा जाए या ना रखा जाए, इसको लेके एक विवाद चल रहा है काफ़ी अरसे से। और ये मामला कहाँ है, ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला होगा कि क्या बीएड प्राइमरी में रहेगा, बीएड वालों को प्राइमरी में भर्ती में परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इससे संबंधित आप सबको पता है कि यह मामला न्यायालय के अधीन है, कोर्ट में है। तो इससे संबंधित अभी रिसेंटली आपके व्हाट्सएप पर ये पिक्चर्स वायरल हो रहा होगा, आपके पास भी ये पिक्चर्स आ रहा है, मेरे पास भी ये पिक्चर आया। देखिए इसकी प्रमाणिकता तो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, लेकिन हाँ हर एक ग्रुप में जो भी एजुकेशनल ग्रुप है वहाँ पे ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है, इस पेज का मतलब क्या है, इस पेज में ऐसा क्या चीज़ है जो कि इतना वायरल हो रहा है और ये क्या कहा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यह पेज ये बता रहा है आपको कि जो भी आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद है उसको अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में लिस्ट किया जाएगा। मतलब अब वो न्यायालय के अधीन माननीय जजेस के सामने जुलाई के तीसरे सप्ताह में अब इसको लाया जाएगा, क्योंकि बीच में आपको बताया है कि गर्मियों की छुट्टी हो जाती है, कोर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं वही देखे जाते हैं। तो आप अब जो ये लिस्ट होगी आपके जुलाई के तीसरे सप्ताह में लिस्ट होगी। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं कि 15/5/2023 को ये पिटीशंस पे सुनवाई होनी थी। ठीक है, लेकिन अगली डेट लग गई है आपके बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पे, और इसकी सुनवाई के लिए अब जो ये लिस्ट होगा माननीय जजेस के जब अधीन आएगा वो कब आएगा, जुलाई के तीसरे सप्ताह में आएगा। दोस्तों हम सबको इंतज़ार है कि कम से कम इस पे फैसला हो जाता कि क्या बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार भी जिस तरीके से आप सीटेट को देखेंगे तो सीटेट इस बार भी बच्चों आपके प्राइमरी के लिए बीएड को आवेदन मांग रहा है, जो भी बीएड वाले हैं वो भी प्राइमरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यही ना असमंजस की बात होती है कि एक तरफ तो हम आवेदन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ये श्योर नहीं है कि इस आवेदन और इस एग्ज़ाम से सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी भी कि नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों, अच्छा ये देखिए ये केस किसके अगेंस्ट है। तो जो पिटिशनर है, जिन्होंने पिटिशन दायर करी है, विशांत सिंह जी वो हैं, और किसके खिलाफ, वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, इन दोनों के बीच ये मामला चला, एंड अदर्स ऑल्सो, इसके बीच में और भी सारे चीज़ें हैं, और भी लोग हैं। तो ये है पूरा मामला, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट का जब एग्ज़ाम्स हुआ था तो उसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि बीएड वालों को आप क्या करें, प्राइमरी के लिए योग्य ना माने, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो दोस्तों इस खबर पे हमारी नज़र है, आई होप कि आपकी भी नज़र होगी, आप भी बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि इस मामले में क्या होता है। तो जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल कर आती है आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे तो ये ज़रूरी था कि आप तक पहुंचाना, समझाना कि इस फ़ोटो का मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके जजेस की बात करें दोस्तों, तो इसके जजेस में अगर आप देखेंगे तो ऑनरेबल कौन है, मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध जी हैं बॉस जी, और जस्टिस सुधांशु धोलिया जी हैं। तो ये दोनों ऑनरेबल्स क्या हैं, जजेस हैं जो इस केस को सुनवाई करने वाले थे 15/5/2023 को, लेकिन इस पर अगली तारीख हो गई, जो लिस्ट तारीख अभी नहीं आई, लेकिन लिस्ट कब होगी, जुलाई के तीसरे सप्ताह में। तो दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको बताया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या बीएड को प्राइमरी में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या बाहर करना चाहिए, इसके पीछे आपका तर्क क्या है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। बीएड वर्सेस बीटीसी संबंधित अगर कोई भी न्यूज़ आता है, या इस पर कोई फैसला आता है, या फिर इस पर कोई खबर आती है, आपको ज़रूर मेरे चैनल पर बताया जाएगा। तो अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से तो दोस्तों सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर आप बीएड क्लासेस करना चाहते हैं, बीएड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छे कंटेंट यहाँ पे आसान से भाषा में मिलेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।